कल के लेक्चर में एक प्रॉब्लम मैं लेने वाला था, बट आप लोग ने बोले थे तो हम लोग छुट्टी लीजिए। जरा इसको ध्यान से देखो, यू वी और डब्ल्यू एस तीन चीज है। हाँ, अभी तक हम लोगों ने दो ही चीज का मल्टीप्लीकेशन पढ़े थे, तीन चीज भी है। जरा इसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर टू, सब नंबर फाइव, वाई इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू थ्री बाई टू ई रेस टू एक्स लॉग एक्स। यहां ध्यान देंगे सभी लोग। अब यहां देखो बच्चा लोग, इसमें यू वी डब्ल्यू तीन चीज है ना मल्टीप्लीकेशन में, तो रूल बदलेगा नहीं, रूल वही है। हम लोग क्या करते थे, एक को बाहर निकालते थे दूसरे का डेरिवेटिव, फिर जिसका डेरिवेटिव होगा उसको बाहर निकालते थे, जिसका नहीं हुआ उसका। यहां पर भी वही था, दो को बाहर निकालेंगे एक का डेरिवेटिव, फिर जिसका हो गया उसको बाहर निकालेंगे दूसरे को रखेंगे, फिर उन लोगों को बाहर निकालेंगे तीसरे को। बेसिकली बोलने का मतलब यह है कि कुछ ऐसा दिखेगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखो यू इंटू वी डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू, तीन चीज है ना। फिर अब डब्ल्यू हो गया तो डब्ल्यू को बाहर निकाल लो, और उसकी जगह किसको फेंक दो, वी को, उसकी जगह किसको फेंक दो, वी को। ऐसी वी और डब्ल्यू हो गया तो उनको बाहर निकाल लो, किसकी फेंक दो, बस समझा। दो को बाहर निकालो एक का डेरिवेटिव, जिसको जो होते जा रहे उसको बाहर निकालते चाहिए। तो यहां पर मान लो कि ये यू है, ये वी है और ये आसान की बात है। तीन चीज है बच्चों, यू वी डब्ल्यू, तो वन बाय वन हम लोग इसमें वैल्यूज को बस सब्स्टिट्यूट कर दें। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा, जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग, एक्स रेस टू थ्री बाई टू ई रेस टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, है ना। डब्ल्यू क्या आपका लॉग एक्स, फिर एक्स रेस टू थ्री बाई टू इंटू लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, देन प्लस ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू थ्री बाई, सही है बच्चा लो, बस फॉर्मूला अप्लाई कर लो, एक्स रेस टू थ्री बाई टू e raise to x, log x का डेरिवेटिव 1 by x, x raise to 3 by 2 into log x, e raise to x का डेरिवेटिव e raise to x into log x, ये बन गया x raise to n, मतलब n x raise to n minus 1, 2 1 सा 3 minus 2 1 by 2, 1 by 2 का मतलब क्या होता है, root, तो आप चाहो तो उसको root के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x raise to 3 by 2 e raise to x upon x प्लस एक्स रेस टू थ्री बाई टू लॉग एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स। ये थ्री बाई टू को पहले लिख देता हूँ, नंबर है ना इसके लिए पहले लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या बचेगा रूट एक्स। अभी पढ़े थे ना थ्री बाई टू माइनस वन कितना था, वन बाई टू मतलब रूट एक्स, ये हो गया डेरिवेटिव, इजी है। नेक्स्ट देख सारा कमाल फॉर्मूले है बच्चे, अगर आपको फॉर्मूला याद है जो कल हमने पढ़े थे तो सब कुछ ईजी। Differentiate the following function with respect to x. Basically, इसमें क्या किया है? दो बार आपको एक ही सम में u v लगाना है और कुछ नहीं, एक ही चीज में दो बार u v लगाना है। देखो जरा यहाँ पर, जैसे मैं इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री में सेकेंड वाला प्रॉब्लम लेता हूँ, बोल रहा है y is equals to e raised to x into sec x minus x raised to 5 by 3 into log x, ठीक है। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो पहले लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा बच्चा सर, dy by dx, तो यहां पर क्या होगा d by dx ऑफ सेपरेट सेपरेट दोनों का डेरिवेटिव लिख सकता हूं क्योंकि बीच में माइनस है, तो d by dx ऑफ e रेस टू x इंटू sec x माइनस d by dx ऑफ x रेस टू 5 by 3 इंटू log x, सही है बच्चा। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो इसमें यू भी लगेगा और ये दोनों भी मल्टीप्लीकेशन में तो इसमें भी, बट इसको ब्रैकेट में लिखना क्योंकि बाजू में माइनस है, बच्चे माइनस इसको ब्रैकेट में लिखते नहीं और यही पर आंसर क्या हो जाता है रॉन्ग। फिर आपने पूरा सही किया बट आपका आंसर पूरा रॉन्ग, समझ लेना, क्योंकि एक माइनस की वजह से पूरी वैल्यू बदल जाएगी, तो ब्रैकेट लेना ना भूले। क्या होगा भैया, यहां लिखो क्या नीचे, ठीक है u v लगा दे, इसके अंदर फॉर्मूला याद है ना सभी को, u डेरिवेटिव ऑफ v,
देन वी डेरिवेटिव ऑफ यू सी इट माइनस वहां पर ब्रैकेट लगा देना क्योंकि ये माइनस के बाद इसका यू भी लेना है ना तो क्या होगा यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू फाइव बाय ब्रैकेट क्लोज क्या होगा ई रेस टू एक्स sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होगा चलो ई रेस टू एक्स माइनस ब्रैकेट है एक्स रेस टू फाइव बाय थ्री लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स प्लस लॉग एक्स ये एक्स रेस टू एन है ना एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या बोलता है चलो एन एक्स रेस टू एन माइनस वन सही है सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसमें ई रेस टू एक्स है इसमें ई रेस टू एक्स है इसमें sec x है इसमें sec x है कॉमन ले लो तो क्या बचेगा सर यहां पर 10x बचेगा और यहां 1 बचेगा 10x प्लस 1 देखो यहां x का पावर 1 है ना नीचे 1 है ऊपर ले आओ तो क्या हो जाएगा x रेस टू 5 बाय 3 इंटू x रेस टू माइनस 1 प्लस log x 5 बाय 3 को चाहिए तो पहले लिख देते बट नंबर है ना तो कोई टेंशन नहीं इसको सिंपलीफाई करो 3 1 जा 5 माइनस 3 2 बाय e raised to x sec x 10x plus 1 यहां बेस सेम है पावर ऐड होगा 3 1 सा 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा चलो 2 बाय 3 प्लस 5 बाय 3 log x into x raised to 2 बाय दोनों में x raised to 2 बाय 3 है ना कॉमन निकाल लो बस हो गया देखो इसके बाद हम लोग सिर्फ सिंपलीफाई कर रहे हैं अगर मैं दोनों में से x is to 2 by 3 बाहर निकालूं, तो यहां 1 बचेगा और यहां क्या बचेगा 5 by 3 log x इससे ज्यादा हम लोग सिंप्लीफाई देखो फोर्थ वाला ले लेते चलो मैं भी बोल दी सर फोर्थ वाला ले y is equals to x cube minus 2 10 x minus x cos x plus 7 raised to x into x raised to 7 अब देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ये दोनों भी मतलब एक ही क्वेश्चन में तीन बार हुई है और कुछ नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा dy by dx इन तीनों का सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव लिख सकता हूं ना तो d by dx ऑफ x cube minus 2 into 10x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेवन एस टू एक्स इंटू एक्स एस टू सही अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो इसमें लगेगा यूवी फॉर्मूला याद है ना यूवी का यू डेरिवेटिव ऑफ वी गर्ल्स आवाज नहीं u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ सिमिलरली माइनस है ब्रैकेट लेना ना भूलना याद रखना तो गड़बड़ करेंगे इसमें भी u ही है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u सही है बच्चा लोग ऐसी यहां पर ये भी u ही है तो क्या होगा u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ सही बात है बच्चा लोग बस लेंथ ही दिख रहा है मगर अभी तक हम लोग सिर्फ एक एक बार u भी लेते एक ही क्वेश्चन में तीन बार और कुछ नई चीज नहीं लगा दो फॉर्मूला x क्यूब माइनस टू डेरिवेटिव ऑफ 10x इज sec स्क्वायर x 10x एज इट इज पढ़ा रहेगा ये देखो x क्यूब का डेरिवेटिव मतलब x रेस टू n ना क्या होगा n x रेस टू n माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 2 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0
एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस, फिर कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, एक्स का डेरिवेटिव गर्ल्स एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा वन, फिर यहां पर सेवन रेस टू एक्स, ये एक्स रेस टू एन है ना, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, सेवन माइनस वन सिक्स, फिर एक्स रेस टू सेवन, डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स क्या बताओ, चलो ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, सिंपलीफाई कर लो, ब्रैकेट को हटा देते बस, एक्स क्यूब माइनस टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस थ्री टेन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स इंटू वन कॉस एक्स, यहां पर देखो बेस सेम है ना, पावर को ऐड करके लिख देता हूं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स रेस टू सिक्स प्लस एक्स रेस टू सेवन, सेवन रेस टू एक्स इंटू लॉग, ये हो गया आंसर। हाँ डेरिवेटिव में बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर पीछे से मैच नहीं होता है, हमेशा होता है ऐसा, मैक्सिमम होता है ऐसा, या तो वो ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहा है या तो आप, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी करती है। चलो यहां पर क्वेश्चन नंबर फोर बचे लोग, यू बाई वी आ गया, पहला क्वेश्चन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, एक को यू लेंगे एक को वी, ये यू है और ये क्या अपना फॉर्मूला याद है, लिख भी देता हूं, डी वाई बाय डी एक्स, वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी का, बस दाव फॉर्मूला, व्हाट इज वी, एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फाइव द होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों, टू एक्स ना, एक्स रेस टू एन ना, तो टू एक्स रेस टू टू माइनस वन मतलब वन ही रहेगा वो, थ्री कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव सी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ब्रैकेट लिखना ना भूले, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से कितना 2x माइनस फाइव कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव सी, नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव था, दोनों में 2x है कॉमन ले लो, सर यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, इसको बाहर निकालो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस माइनस एट टू जा सिक्सटीन ना, हो गया आंसर इजी, देखो सम नंबर फोर, देखो क्वेश्चन नंबर फोर सम नंबर फोर, इसमें यूवी और यू बाई वी दोनों है बच्चा, वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, याद है अनिल, अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों डिवीजन में, तो इसको u ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला dy by dx क्या होता है फॉर्मूला, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ये ना बच्चों लगा फॉर्मूला, अपना v कितना है सर x प्लस log x और u कितना है x log x, सही है ना, माइनस x log x into derivative of x plus log x, हाँ है ना बच्चों, yes, the whole divided by x plus log x the, अब अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो इसमें क्या लगेगा u by v भी आ गया u v भी आ गया, तो ध्यान से देखो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, x plus log x u भी लगा लो डायरेक्टली, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, सही है ना, माइनस एक्स लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज, सही है ना, चलो द होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस लॉग एक्स द
होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करो और x प्लस log x. डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x. डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. सेम माइनस x log x. इसको कर देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय x. ये x ये x द होल डिवाइडेड बाय x प्लस log x द स्क्वायर. चाहो तो ये x को इससे भी पूरे से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो द होल में आ जाएगा और उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग नीचे. अरे समझा कि मैंने क्या मतलब, ये x इससे मल्टीप्लाई कर दो पूरे से और फिर द होल में आ जाएगा ना वो x, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग नीचे. तो देखो कुछ ऐसा लिखने बोल रहा x into x plus log x. ये x plus log x के साथ में x लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई करके. अंदर क्या बचा है यहां पर 1 plus log x माइनस x log x into x plus 1 द होल डिवाइडेड बाय x. अब नीचे पहले से क्या पढ़ते हैं x plus log x द. अरे समझा बस. एक लास्ट का प्रॉब्लम ले लेते हैं एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. क्वेश्चन नंबर 5 सम नंबर 2. देखो क्या हो रहा है, बोल रहा है कि अगर f of x की वैल्यू गर्ल्स यहां रहने दो बच्चा a sin x माइनस b cos x है और बोल रहा है कि अगर f dash of pi by 4 की वैल्यू रूट 2 है और f dash of pi by 6 की वैल्यू 2 है तो f of x कितना होगा. अब अगर ध्यान से सुनो तो f of x तो दिया हुआ है सर, तो फिर क्यों f of x निकालेंगे. बट अगर नोटिस करो तो f of x a और b के फॉर्म में दिया हुआ है, a और b कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और जब आपको a और b मिल जाएगा तो इसमें वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर देना a और b की वैल्यू, आपको क्या मिल जाएगा f of x. अब ये कैसे मिलेगा, तो देखो उसने f dash of pi by 4 and f dash of pi by 6 दिया हुआ है, तो आप निकालो f dash of x. क्या निकाल लो, एक बार x की जगह रखो pi by 4, एक बार x की जगह रखो, तो इक्वेशन बनेगी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना a और b की वैल्यू मिल जाएगी और फिर उसको उठा के आ सकते हैं. अरे समझाएगी नहीं, तो भैया स्टार्ट करते हैं. सभी लोग यहां पर देखेंगे f of x कितना दिया बच्चा लोग, सर a sin x माइनस b cos x निकालते f dash of x. जैसे दिस इज इक्वेशन 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करना ना बाद में, इसके लिए इसको 1 मान लेना. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, f of x का डेरिवेटिव कितना होता है f dash of x. a कोएफिशिएंट है एज इट इज पड़ा रहेगा, sin x का डेरिवेटिव फिर माइनस b, cos x का डेरिवेटिव माइनस माइनस बन गया. अब एक बार x की जगह क्या रखूंगा pi by 4. लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2, पुट x इज इक्वल्स टू pi by 4 इन 2. क्या होगा बच्चों, f dash of pi by 4 a cos pi by 4 girls b sin pi by, ठीक है, sin cos 45 कितना होता है 1 by root और sin 45 कितना होता है 1 by root. f dash of pi by 4 की वैल्यू भी कितनी है, दोनों में root 2 है, कॉमन ले लूं क्या बचेगा a plus b. अब ये root 2 को इधर फेंक देता हूं, root 2 into root 2 a plus बन गई एक इक्वेशन. लेट्स से दिस इज इक्वेशन 3. अब मैं वापस से 2 में एक बार क्या रखता हूं pi by 6, तो पुट x is equals to pi by 6 in equation 2. क्या होगा बच्चों, सर f dash of pi by 6 a cos pi by 6 plus b sin pi by 6. f dash of pi by 6 की वैल्यू कितनी दी है 2, cos 60 कितने दी है half और sin 60 एक मिनट ये 30 है ना, उल्टा cos 30 कितना होता है root 3 by 2 a, sin 30 कितना होता है half, दोनों में 1 by 2 है कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा root 3 a plus b. 2 को इधर फेंक देता हूं तो root 3 a plus b किसके बराबर हो गया, लेट्स से दिस इज इक्वेशन. अब साफ-साफ दिख रहा है इन दोनों का b सेम है, तो सबट्रैक्ट 3 एंड 4, सबट्रैक्ट
थ्री ए, ध्यान से देखो भैया, रूट थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर, और ये कितना है ए प्लस बी इज इक्वल टू टू, माइनस करना है ना, रूट थ्री ए माइनस ए, रूट थ्री ए माइनस ए, बी माइनस बी कैंसिल हो जाए, फोर माइनस टू कितना आ गया, अरे हाँ है ना, इन दोनों में से अगर मैं ए कॉमन ले लू तो क्या बचेगा, रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, टू अपॉन रूट थ्री माइनस वन, मिल गया, चलो आपको ए मिल गया, सर इसमें पुट कर देते हैं, आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, पुट ए इन थ्री, ए प्लस बी कितना था, टू था, बी कितना आ जाएगा, टू माइनस ए, एंड वॉट इज ए, सर टू अपॉन रूट थ्री माइनस वन, अरे सही है कि नहीं भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लू, क्या करो जो को, तो टू रूट थ्री माइनस वन माइनस टू अपॉन रूट थ्री माइनस वन, अंदर मल्टीप्लाई करो, टू रूट थ्री या मत मल्टीप्लाई करो, दोनों में से टू कॉमन ले सकता हूं, तो यहाँ क्या बचेगा, सर यहाँ तो रूट थ्री माइनस वन बचा है, क्या बचा है, यहां से टू गया तो माइनस अपॉन रूट थ्री माइनस कितना आ जाएगा, माइनस वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन, मिल गया, ए भी मिल गया, और आपको तो पुट ए बी इन इक्वेशन वन, बन गया आपका एफ ऑफ एक्स, पुट ए एंड बी इन इक्वेशन, तो भैया ए की वैल्यू क्या आई थी, टू अपॉन रूट थ्री माइनस वन, और बी की वैल्यू कितनी आई, टू रूट थ्री माइनस टू अपॉन रूट थ्री माइनस, ये रहेगा उसका, समझा, एफ ऑफ एक्स पूछा था ना, तो ए भी निकालना था, निकाल लिए ए और बी, दैट्स इट फॉर टुडे।